चितई के मार्ग में आज बहुत ज्यादा ट्रैफिक लग चुका है, हम लोग यहीं पे को फंसे पड़े हैं। फिर से मिल गया जाम दोस्तों, लाइन इतनी ज्यादा लंबी है, ये यहाँ तक पहुंच भाई। What's up guys, welcome back to another vlog. I hope आप सभी अच्छी हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ और आप सभी को Happy New Year. और कल का दिन तो बहुत ज़्यादा खराब गया था, साल का लास्ट डे था, लेकिन आज सुबह उठते उठते थोड़ा मूड अच्छा हो गया था क्योंकि रितिक का फ़ोन आया, तब कह रहा था कि मंदिर चलते हैं। पहले हमारा प्लान बना था कि हम डोलाशिव जाएंगे, बट मम्मी और मामा मना कर रहे थे ज़्यादा दूर हो जाएगा करके हमारे लिए, तो फिर अभी वहाँ नहीं जा रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं चितई गैराज। और फिर रितिक लोग आए हैं ऐसे घूम रहे हैं इनके साथ, और साथ ही मेरे क्लासमेट भी हैं राकेश और ललित हैं साथ में, तो मिलते हैं आपसे सीधे मंदिर पे। बड़ी जल्दीबाजी में ब्लॉग स्टार्ट करा है, वैसे लेट हो गया है, आपसे रास्ते में मिलते थी। हम रास्ते पे रुके हुए हैं, रितिक और नैनो ने इतना लेट कर दिया, पता नहीं पीछे कहाँ छूट गए, इनका क्या सामान रह गया था। और अभी हमारे साथ ललित है और ये राकेश है, इसने मुझे कल धोखा दिया था। मैं किसी को आज तक मैंने किसी को धोखा दिया? तो कल तो दिया ना इसने, तो कह रहा था यार तुमने मुझे टाइम का बताया ही नहीं था, तब टाइम का ऊपर नीचे हो गया था, अब शाम वाले में हम गए नहीं, तो अभी देर तक लोगों का वेट करते हैं फिर जाते हैं। आज बहुत भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है। निकलेंगे कैसे रे ललित? नहीं राकेश, यहाँ से पैदल चलते हैं, मजाक कर रही हूँ। आगे रुक गई है यार, तो गाइस चितई के मार्ग में आज बहुत ज्यादा ट्रैफिक लग चुका है, हम लोग यहीं पे को फंसे पड़े हैं, यहीं पे को फंसे पड़े हैं, खाते भी इतना ज्यादा जाम सा रहा ना। आप पहले आगे देखो कितना ज्यादा जाम लगा है, इतना पीछे तक जाम लगा है। और ये हमारे राकेश है और बाकी आगे बहुत बड़ा जाम है, टाइम लगेगा अब यहाँ से निकलने में हमें, और ये बस नहीं निकल पा रही है यहाँ से। बहुत जगह है, चलो चलो चलो। अभी हम मंदिर के पास पहुंचने वाले हैं, स्कूटी हमने थोड़ा पहले ही पार्क कर ली क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा जाम लग रहा है, बहुत ज्यादा। एक तो आज पहली तारीख है, सभी लोग पहले दिन गुलजी देवता के दर्शन करने के लिए आ रखे थे, इतनी ज्यादा भीड़ हो रही थी ना यहाँ पर, तो दोस्त लोग आ रहे हैं, ऋतिक लोग शायद आगे को चले गए हैं। अभी हमने बुलाया है गौरव को, दिव्या तो यहाँ खैर है नहीं, तो उसको भी बुलाया था मैंने, तो चलते हैं फटाफट से गोलचू के दर्शन करके आते हैं, फिर और भीड़ बढ़ जाएगी ना। नहीं तो दोस्तों लाइन इतनी ज्यादा लंबी है, ये यहाँ तक पहुंची है, फिर वहाँ जा रही है, फिर घूम 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 कर बहुत लंबी है यार। क्या घुसा दिया मेरे को, गाली मार के भगाएंगे।
अभी हम लोग मंदिर से हो आए हैं। मंदिर पे बहुत ज्यादा भीड़ लग रही थी, फिर हमने ये करा, हम सभी का प्रसाद राकेश को दे दिया था, वो बीच में घुस कर अंदर चढ़ा कर आ गया। करा इसने करा, पर यार बहुत भीड़ हो रही थी, हेलो बहुत भीड़ हो रही थी। तुम तो चलो गाड़ी आवे यार, ये गया दुर्गा मैया का जो वहां मंदिर है, मैं गई तो ऐसे ऐसे करते हम प्रसाद चढ़ा कर आ गए हैं। और अभी शायद हम गैराज जा रहे हैं, गैराज में मिलेंगे आपसे। यहाँ अभी भी जाम लगा है, पता नहीं कैसे निकलेंगे हम यहाँ से। हमारे ग्राम प्रधान जी आए थे यूपी से चितई मंदिर, तो देख सकते हो ग्राम प्रधान। अब विजय छन नी छन ग्राम प्रधान पत्ना गाड़ तो नहर छुवर। ग्राम प्रधान जी तक वीडियो पहुंच जाए तो प्रधान जी गाड़ी भी धो लो, बहुत गंदी हो रही प्रधान जी। हम फिर से फंस गए गाइस जाम में। कैसा लग रहा है आपको जाम में फंस कर? बहुत अच्छा। अबे यार जाम थोड़ा थोड़ा खुल गया है, ओए आगे मुझे फिर दिख रहा है, है आगे और बस यहीं पे को खुला है। फिर से मिल गया जाम, फंसी गए रे गाइस, फंसी गए। आगे हमें बहुत सी जगह जाना है, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो आगे का वीडियो भी ज़रूर देख लेना, है ना राकेश? वीडियो को बिना स्किप करे देखे। लोग जाम में फंसे हैं, उन्हें पता है कैसा जाम लगा है। हाँ यार बहुत बड़ा जाम लगा है, समय समय पर लगा है। बड़ी मुश्किल से वो जाम से निकल रखे हैं अभी हम लोग, और अभी हम जा रहे हैं गैराज। ललित का वेट कर रहे थे, ये भी आ गया, आप चलते फटाफट से। चलो चलो चल सीधे चल। अभी हम लोग गैराज पहुंच गए हैं, अभी हमारा टाइम 2:30 बज रहा है, 11:30 बजे के निकले हुए हम यहाँ 2:30 बजे पहुंच गए। चल लेते हैं, बताओ। गाड़ी में बहुत ठंडा हो गया, मैं तो स्कूटी भी चलाती नहीं आई थी, राकेश पति से मैंने स्कूटी ले चलाया थी, मैं आराम से बैठे बैठे आ रही, लेकिन फिर भी ठंडा लग गया और बैठे बैठे। और ये लोग फोटो खींचने में रास्ते भर में, हमें इनकी वजह से लेट हुआ पता है। हाँ मामा देख लो। तो यहाँ भी बहुत ज्यादा भीड़ है, हम जा रहे हैं पीछे वाले रास्ते से, हम ना वहाँ भी घुसे थे, अगर यहाँ भी ऐसा कुछ हुआ तो ऐसे जाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा ना क्योंकि रुकेंगे तो। इसके अंदर बैठ गए, क्या करते हैं? वैसे मैं भी बैठती थी। नहीं मैं ऐसे कभी नहीं बैठी यार, ये देखो गाइस मेरी दो मिनट में मजाक उड़ा रहा है। तो गाइस देखिए जो वहाँ बच्चे बैठे हैं, कभी कुछ टाइम पहले महिमा हमारे पीछे कोई नहीं है, तो क्या करें गाइस, यहाँ पे तो कोई चांसेस नहीं है कि हम आगे जा सके, इतनी लंबी लाइन में लगना पड़ रहा है, यहाँ तक तो लाइन है, इससे आगे भी लाइन है। बेचारे बोर हो गए हैं। भगवान के दर्शन हो गए हैं, हम यहाँ 2:30 बजे आए थे और हम दो ही थे, ये लोग बाकी नीचे आ गए थे पता है, 4 हमें यहीं बच गया है, अब जाते हैं फटाफट से कुछ खाते हैं, मैंने सवेरे से आज कुछ नहीं खाया, भूख लग रही है यार। और ये देखो तो इन लोगों को ये ऐसे क्या देख रहा है, दो ही नहीं आ रही है, बस दो ही ने। So guys, मंदिर से हम आ गए हैं और अभी हम बैठे हैं कुछ खाने के लिए, यहाँ कुछ है ही नहीं तो चाउमीन ही मंगाई है, ये ला रहे हैं नाचोस,
ललिता हमारे नाचो लेकर आई है, अभी खा रहे हैं। जब तक चाउमीन बन रही है तब तक ये खा रहे। इसके साथ ही चिली सॉस भी है, पता नहीं कैसा ही है ना। इधर भी आ रहा है। क्या पिया रे? हाँ? क्या पिया? चाह 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 पी पे घर ही जा रही है। सो गाइस हम पहुंच गए हैं घर और देखो कैसी हालत में घर पहुंच चुकी हूँ मैं। मम्मा अपना सर पात कर बैठी है, सर पे दर्द हो रही है मम्मा की, साथ ही हीटर सेका जा रहा है। ये हीटर का ही सहारा है हमारे। मजा तो आए खींचे। देखो सुबह से बाल गीले थे, बालों में कंघी भी नहीं मारी, देखो कैसे हो रखे हैं, पागल जैसी लग रही है मैं। और तुम्हें पता है चित्तय मंदिर में ऐसी भीड़ थी, तुम्हें क्या बताऊं। वीडियो बनाई होगी भीड़ की। बनाई है ना, देखी होगी अभी सभी ने। ऐसे मतलब जो बाहर वाला फील्ड नहीं है, पहले एक सर्कल नहीं, वैसे कह रही हूँ ना, आगे तो उन्होंने ब्लॉग में देख लिया होगा ना, आपने देखा ना, ऐसे गोल सर्कल लगा है पूरी भीड़ जो फील्ड है। अच्छा मम्मी नहीं समझी, आप समझ गए ना। वो जो बाहर फील्ड नहीं था उनका, वो एक घेरा पूरा भरा था, फिर उसके अंदर एक घेरा और था। हम लोग पीछे से घूम गए, हमने क्या करा ना, राकेश को सारा प्रसाद दिया, राकेश अंदर चलकर वो चढ़ाया प्रसाद, फिर मैं दुर्गा मैया जो मैया उसके बगल में ऊपर मंदिर नहीं है वहां मैं गई, ऐसे ऐसे कर हम हुआ है गैराड में। बहुत भगवान को भी शॉर्ट से दे गए, शॉर्ट से नहीं पर तो बहुत भीड़ हो रही थी बहुत। और गैराड में, गैराड में भी भीड़ हो रही थी लेकिन वहाँ हम बीच में नहीं घुसे, ललिता और मैं लाइन पे लगे भगवान जी के दर्शन करे आगे, वरना तो अभी हम चिताई में रह जाते हैं। सो गाइस और कोई नहीं आएगा, चेंज करते हैं फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर पे, ठीक है। दोस्तों डिनर भी हो चुका है और आज का दिन काफी ज्यादा अच्छा रहा। साल के पहले दिन भगवान के दर्शन भी हो गए और दोस्तों के साथ थोड़ी मस्ती मजाक भी चला, और बस यही उम्मीद है कि साल का जो पूरा साल है वो अच्छा जाए, मेरा भी और आप सभी का भी। बस भगवान से यही प्रे कर रही हूँ और व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई है, और वीडियो पसंद आई है, चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।